खतरनाक डाकू जालिम सिंह जेल से फरार। वाह शर्मा साहब वाह, खुद ने छोड़कर अखबार में फरार छपा दिया। जवाब नहीं आपका, बोतल दे कालिया। सरदार आप कब रिहा हुए? रिहा नहीं हुए हैं, हम फरार हुए हैं। एक ही तो बात है सरदार, आप खाली हाथ आए या सोना भी साथ लाए? नहीं, जिस जगह हमने उसे गाड़ा था अब वहां एक मंदिर बन चुका है। लगता है शैतान के माल की रक्षा खुद भगवान कर रहा है। हमें बता दीजिए मंदिर का पता, हम तोड़कर ले आते सोना। बेवकूफ, मंदिर तोड़कर सोना निकालना अगर इतना आसान होता तो इस मुल्क के सैकड़ों मंदिरों में अरबों का जो सोना पड़ा है वो अब तक हमारा होता। यहां के लोग हमें देखकर चूहे बनकर बिल में घुस जाते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर साले शेर बनकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब है सोना वैसे का वैसे पड़ा रहेगा? नहीं, उसे तो मैं किसी ना किसी तरकीब से निकाल ही लूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे उस डॉक्टर से हिसाब चुकाना है जिसने बेहोशी का इंजेक्शन देकर मुझे पुलिस के हवाले किया था। अब आप उस गांव की तरफ ना ही देखे तो अच्छा है। जब से उस तूफान ने जन्म लिया है हम लोगों की नस्लें ही कम हो गई, जीना हराम हो गया। तूफान? अरे अब मैं आ गया हूं तो ना कोई आंधी आएगी और ना ही तूफान। इससे पहले कि मैं तुम्हारे सर पे लगा हुआ इनाम वसूल करूं, दो सवाल। पहला, डाकू जालिम सिंह को कहां छुपा रखा है? दूसरा, इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद का खून किसने किया? तेरे पहले सवाल का जवाब। ये देख गोपाल, मैं गोपाल कहाँ है? देखो श्याम भाई, हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो कहता था कि मैं अपने दोस्त पर बोझ बनना नहीं चाहता। अगर दोस्ती बोझ है डॉक्टर साहब तो मैं दुनिया का हर बोझ उठाने के लिए तैयार हूं। बेटा वो जरूर स्टेशन की तरफ गया होगा।
गोपाल, गोपाल, गोपाल मेरे दोस्त, गोपाल, संभाल के हाथ चल जाएगा। कुछ नहीं होगा माँ। प्रणाम बाबू। जुग जुग जियो बेटे। दिवाली की बधाई हो आप। तुझे भी। आज गोपाल आ रहा है, वो साल में एक बार आता है, लेकिन आता है तो दिवाली की सारी खुशियां लेकर। अच्छा डॉक्टर साहब, चलता हूं। अच्छा